जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, प्रेम का अंकुर प्रेमी जन के हृदय में उत्पन्न होने पर उसके जीवन में किस प्रकार के भाव कुसुमों का विकास होता है, इसका बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन है। क्षमता, शांति, क्षमा अथवा सहनशीलता, एक क्षण का समय भी भगवान के बिना न बीतना, भगवान के अतिरिक्त समस्त पदार्थों से सर्वथा विरक्ति, मान का सर्वथा अभाव, भगवान की प्रीति और भगवद विरह के दर्शन की निश्चित आशा, उत्कंठा और नामगान में नित्य रुचि। नामगान में रुचि के संबंध में अपने बातचीत हुई थी, ये बात हुई थी कि अभ्यास में और रुचि में अंतर है। अभ्यास से जो नाम लिया जाता है वह अभ्यास जनित है, रुचि जिसमें होती है। नाम जप करने का नियम लिया, अभ्यास किया, जप होता है, पर वह अभ्यास से होता है। उसमें कुछ स्वाद नहीं आता, उसमें कोई रस नहीं आता, आनंद नहीं आता, जप चलता है। वहाँ तो किसी प्रकार से क्रोध से, परिहास से, कैसे भी भगवान का नाम आ जाए कि तुलसी अपने राम को खीज भजो चाहे रीझ, उल्टे सीधे जानिए खेत पड़े सो बीज। भगवान नाम की महिमा की दृष्टि से भगवान के एक नाम का उच्चारण भी महान लाभदायक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यहाँ नाम के लाभ की चर्चा नहीं है, यहाँ तो प्रेम का उदय होने पर, प्रेमांकुर का प्रादुर्भाव होने पर अपने प्रेमास्पद के नाम का स्वाभाविक जो गान होता है उसका वर्णन है। यहाँ पर नाम गान कहा, उसमें एक माधुर्य है, उसके साथ जीवन का संगीत मिला हुआ है। एक एक नाम जीवन को संगीत बना देने वाला है। जीवन में से गीत निकले और रोना ना निकले, रुखाई ना निकले, विषय भय ना निकले, जीवन गीतमय हो जाए। प्यारे का नाम, प्रियतम का नाम जीवन के द्वारा सदा गाया जाता है। रोम रोम प्रियतम के नाम का गान करें, इसलिए गान शब्द है, जप नहीं। नाम जप साधन है। यहाँ जो बात हो रही है इसके पक्ष में भी व्याख्या तो की जा सकती है, परंतु वास्तव में ये तट वाली व्याख्या समुचित नहीं, वह तो विशुद्ध अनुराग है, प्रेम के क्षेत्र का ये ही दर्शन है। यहाँ कोई साधन की बात बिल्कुल नहीं, साधन यहाँ है ही नहीं, ये तो केवल प्रेम रस का प्रादुर्भाव है। ये प्रेम तरंगे हैं जो स्वाभाविक उदय होती हैं। जीवन में इनके लिए साधन की कोई कल्पना नहीं है कि हम साधना कर रहे हैं। साधना करने वाला प्रेमी भी साधक है, साधना बुरी चीज़ नहीं है, और साधन शब्द से कोई मतलब नहीं प्रेम में। परंतु साधन का कोई वहाँ पर अस्तित्व नहीं, क्योंकि साध्य स्वयं प्रकट हो जाता है प्रेम रूप में, फल रूपत्वात्। भगवत प्रेम जो है स्वयं फल रूप है, फल रूप प्रेम के उदय होने पर जो स्वाभाविक स्वरूप स्थिति होती है, ये उसी को संकेत कराने वाले हैं। श्रीमद् भागवत में एक आया है युग्म गीत, श्री गोपांगनाओं के संबंध में युग्म गीत का अर्थ है जुड़ना। दो दो श्लोकों का एक एक प्रसंग है, उसमें युग्म कहा है, उसमें वर्णन क्या है। जिन्होंने भागवत का रस लिया है वे जानते हैं कितनी मधुर चीज है, कितनी ऊंची चीज है। उसका अर्थ भाव ये है कि श्री श्याम सुंदर जब चले जाते हैं वन में गोचारण करने के लिए, तो उनके पीछे से श्री गोपांगनाएं परस्पर में बैठकर जो चर्चा करती हैं, उन चर्चाओं का कुछ दिग्दर्शन है। इस प्रकार से उनका जीवन बनता है, तब उनके जीवन में सिवाय प्रियतम के संगीत के अतिरिक्त कोई बात ही नहीं है। एक ही चर्चा, एक ही विषय, एक गति, एक मति। गीता में भगवान ने साधन में
उसका संकेत दिया है, उसका फल ज्ञान की प्राप्ति बतलाया है। उनको बुद्धि योग भगवान देते हैं। भाव राज्य के दो स्वरूप हैं, एक भाव राज्य है साधन का, दूसरा साधन के भाव राज्य के पश्चात ज्ञान राज्य है, और ज्ञान राज्य के पश्चात एक अनुभूत भाव राज्य है। उस भाव राज्य का नाम ही प्रेम राज्य है। उसकी छाया बहुत पहले ज्ञान राज्य के पूर्व के भाव राज्य में आ जाती है। उसका संकेत करते हुए भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। ये प्रेम रूप भाव राज्य का वर्णन नहीं है, ये ज्ञान राज्य के पूर्व के साधन में भाव राज्य का वर्णन है। इसी से इस प्रकार प्रेम से भजने वालों को बुद्धि योग दे करके भगवान ज्ञान राज्य में ले जाते हैं, ददामि बुद्धि योगम, और इस ज्ञान से भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान ने कहा। इस साधन भाव राज्य में भी भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। वे भक्त मच्चित हैं, मदगत प्राण हैं, उनका चित्त मुझ में बसा है और उनके प्राण मुझे समर्पित हैं, तब वे क्या करते हैं? बोधयंत परस्परम, और वे आपस में मेरी ही बात समझते समझाते हैं और मेरा ही कथन करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, मेरी ही बात नित्य निरंतर कहते हैं। वे मेरे में ही संतुष्ट रहते हैं और मुझ में वे प्रीति करते हैं। साधना की जहाँ ऊंची स्थिति है, जिसका फल उनकी कृपा से निकुंज राज्य में प्रवेश करके भगवान को पाना है, वहाँ पर भी ये स्थिति होती है। जहाँ पर प्रेम उदय हो जाता है, वहाँ तो दूसरी चर्चा रहती ही नहीं। यहाँ तो मच्चित्ता मदगत प्राणा, वहाँ मदगत प्राणा नहीं है, मत प्राणा है। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। श्रीमद् भागवत से भगवान का जीवन उनके जीवन में उतर जाता है। भगवान के प्राणों से वे अनुप्राणित होती हैं। प्रेम में भगवान के जीवन से वे जीते हैं, भगवान के मन से ही मनस्वी होते हैं। ये प्रेम उदय हो जाने पर जो संगीत निकलता है जीवन से, वह संगीत किसी को सुनाने के लिए नहीं निकलता। उस संगीत में संगीत का आनंद नहीं मिलता है, वह संगीत होता है जीवन संगीत, प्रेमास्पद का गीत। प्रेमास्पद का प्रेम जो जीवन में बोलता है, जीवन जिस प्रेम गीत को निरंतर गाता है, और उस प्रेमी के प्रेमास्पद के उस गीत, उस नाम गीत में नित्य रुचि हो जाती है। नाम गाने सदा रुचि, परंतु नाम गान से ही वह तृप्त नहीं होता, उसकी आसक्ति होती है। सब जगह से आसक्ति हट गई, सारी आसक्तियों को ये प्रेम खा गया। ये सिद्धांत है, इसे मानना चाहिए। प्रेम के मार्ग में जो कोई चलना चाहे और किसी प्रकार की दूसरी आसक्ति भी रखना चाहे, तो वह प्रेम मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो तो चले हमारे साथ। अपने माने हुए घर को अपने हाथों जला देने के लिए, फूंक देने के लिए जो तैयार हो, विषय ही न रहे तो उनमें आसक्ति कहाँ से रहे। इस प्रकार जिसकी तैयारी हो, तब वह प्रेम विधि पर आए, नहीं तो प्रेम के राज्य में चलना तो दूर रहा, प्रेम के मार्ग पर आना कठिन है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।